Hello children, today we are going to start our new chapter, chapter number 17, livelihood. Okay, हम आज अपना new chapter start करेंगे livelihood. और जो कि हमारा chapter 13 हो चुका था, उसके question answers बाकी थे, तो इस chapter के साथ ही उसका PDF आ जाएगा. दोनों के अलग अलग PDF आएंगे same day. So एक ही दिन आप लोग question answers लिख लीजिएगा. तो आज हम ये chapter start कर रहे हैं livelihood. सो पहले की तरह मैं रीड करूँगी, देन एक्सप्लेन करूँगी. ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. अब ओके, सो लाइवलीहुड. लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि जीने के लिए जो हम काम करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है, जो हम जीने रोजी रोटी के लिए जो काम किया जाता है, उसको लाइवलीहुड कहा जाता है. तो आज इस चैप्टर में हम इसी तरीके से अलग अलग लोगों का थोड़ा लाइफ स्टाइल देखेंगे कि लोग क्या करते हैं. A person's life is affected by his or her surrounding. We see a lot of diversity around us. The most important thing about the village life is that villagers use minimum facilities. They are connected with economic system in different ways. Most of the people are engaged in farming. Local arrangement and local environment directly affect the village life. Village life means the arrangement of livelihood and environment. Apart from the lives of village people, we will discuss about their facilities and problem. Okay, तो जो villagers हैं वो ज़्यादातर किस में इन्वॉल्व होते हैं? फार्मिंग में. ओके, वो लोग खेती बाड़ी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, गाँव के लोग. पर उन वो लोग बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, फिर भी उन्हें बहुत मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. और हमने ये देखा है जो लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी किसी न किसी तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल को इफ़ेक्ट करती है, और बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ भी हमें देखने को मिलती है. तो अगर हम विलेजेस की बात करें तो देखा जाएगा कि उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है पर उनको फैसिलिटी कम दी जाती है. तो इस पैराग्राफ में आगे में इस चैप्टर के आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या उन्हें फेस करनी पड़ती हैं. आवर कंट्री इंडिया हैज़ अ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जैसे कि हमें पता ही कि हमारी जो कंट्री है उसमें यूनिटी है और साथ ही साथ डाइवर्सिटी भी है, मतलब अनेकता में एकता. मतलब लोग अलग अलग धर्म के हैं, जाति के हैं, ठीक है, सबकी बोली अलग है, फिर भी लोग क्या हैं, एक होके रहते हैं. आवर कंट्री हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी अमाइड रिलीजन लैंग्वेज रीजन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. देयर आर मोर देन 5,000 सिटीज एंड अबाउट 27,000 स्मॉल एंड बिग टाउन्स. 5,000 से भी ज़्यादा सिटीज़ हैं और 27,000 से भी ज़्यादा क्या हैं, स्मॉल एंड बिग टाउन्स हैं. पीपल कम टू द सिटी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस. ओके, जो लोग हैं वो सिटीज़ में क्यों आते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो कम टू द सिटीज़ और टाउन. और अलग अलग गाँव से भी, स्टेट से भी लोग माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुली एनीवेयर इन इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट दिया गया है कि आप शांति से किसी भी जगह जाके रह सकते हैं. ऐसा नहीं कि अगर आप गुजरात के हैं तो आपको गुजरात में ही रहना है, आप अदर किसी स्टेट में नहीं जा सकते. ओके, बट शांति से रहना है. पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर कनेक्टेड विद वेरियस ऑक्यूपेशन. जो लोग सिटीज़ में होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं. सम पीपल हैव कनेक्शन विद मोर देन वन ऑक्यूपेशन. कुछ लोग तो एक से ज़्यादा के रोजगार में जुड़े होते हैं. वी सी मैनी पीपल अराउंड अस, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है. एवरी वन नीड टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर फैमिली. लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके. पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाई सर्विसेज बिजनेस और लेबर वर्क. और लोग क्या करते हैं, सर्विसेज मतलब किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट फॉर्म में जॉब कर या फिर अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जुड़े होते हैं, जैसे लेबर वर्क हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है. तो ये चीज़ें हमने देखी. अब विलेज लाइफ क्या है? एक दिशा है इज़ इन अ सिटी इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट. दिशा इज़ अ सिटी, दिशा एक जगह है, ठीक है, का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में. लिटिल फार फ्रॉम दिशा देर इज़ अ विलेज नेम रनपुर, ठीक है. अगर हम ये ध्यान दें कि
कि दिशा से ही थोड़ी दूर एक गांव है जिसका नाम है रानपुर। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर एसोसिएटेड विद फार्मिंग। यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं, फार्मिंग मतलब खेती से ज़्यादा जुड़े हैं। सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रियरिंग। कुछ लोग खेती करने में बिजी हैं तो कुछ लोग चरवाहे का काम करते हैं, जो कैटल रियरिंग मतलब एनिमल्स को जो लेके घूमते हैं। इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज़ स्पेयर्ड फ्रॉम फार्मिंग सम पीपल मेक टूल्स सम स्टिच क्लोथ्स। अब फार्मिंग से जब उनको थोड़ा टाइम मिलता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, टूल्स बनाते हैं, कुछ लोग कपड़े सिलते हैं। वन मैन रन्स ट्रैक्टर, कोई ट्रैक्टर चलाता ही गोज फॉर प्लगिंग व्हेन ही इज़ कॉल्ड। और एक कुछ लोग ट्रैक्टर्स भी चलाते हैं, जब ज़रूरत होती है तब उन्हें बुलाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल विलेज पीपल डू नॉट हैव टू गो टू द सिटी फॉर अ हेयर कट फॉर और शेविंग। और इतना छोटा गांव है और लोग इतने बिजी हैं, इवन उनको उनके गांव से सिटी बहुत ज़्यादा दूर है, सो वो लोग हेयर कटिंग के लिए भी नहीं जा पाते हैं बाहर। देर आर मैनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स, वहाँ पे छोटे बड़े शॉप्स भी हैं। स्लीपर एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दीज शॉप्स, जूते चप्पल कपड़े इन शॉप्स पर अवेलेबल है। मेडिसिन फॉर फीवर कफ एंड कोल्ड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेज शॉप एट द टाइम ऑफ नीड। और इस तरीके की दवाइयाँ भी हैं जैसे सर्दी खांसी बुखार की। एवरीबडी ग्रोज पोटैटोज एंड मिल्क हियर एंड इन द सराउंडिंग विलेज। तो विलेज के सराउंडिंग यानी विलेज में क्या किया जाता है, पोटैटोज और ये मिल्क ये सब ग्रो किए जाते हैं। टेलर कारपेंटर बार्बर एंड ब्लैक स्मिथ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज। ठीक है, अलॉन्ग विथ देयर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ फार्मिंग एंड फार्म लेबर। ठीक है, ये काम तो वो लोग करते ही हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी से भी जुड़े हैं, खेती भी करते हैं या खेतों में लेबर का भी काम करते हैं। वन यंग मैन हैज़ मेड अ शॉप फॉर टी एंड स्नैक्स। एक है व्यक्ति वहाँ पर पर्सन, उन्होंने क्या किया है, खेती के साथ साथ स्नैक्स और टी की भी दुकान खोल रखी है। पासर्स बाय स्टैंड हियर मोर इन नंबर दैन विलेज पीपल डू फॉर टी एंड स्नैक्स। सम फार्मर ग्रो वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर वाइल सम अदर फार्मर प्रिपेयर ऑर्चर्ड फॉर ग्रोइंग पॉमीग्रेनेट एंड अदर फ्रूट्स। पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स फ्लावर एंड वेजिटेबल इन दिस विलेज। तो इस तरीके से लोग अलग अलग चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये विलेज लाइफ देख रहे हैं। अब इसमें देखिए लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज, लेबर वर्क किस तरीके से है और लोगों की लाइफ। एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा, शी लिव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ अ बिग फार्मर। ठीक है, एक मधुबा करके हैं, मालपुर गांव में रहती हैं, उसी गांव में उनकी शादी हुई है और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलके खेती का काम करते हैं, मतलब खेत में लेबर का काम करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड कोर्स बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर 8 o'clock इन द मॉर्निंग। घर का पूरा काम करने के बाद दोनों ही हस्बैंड वाइफ फार्म में चले जाते हैं लेबर वर्क के लिए 8 o'clock इन द मॉर्निंग। दे हैव टू डॉटर हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज। और उनकी दो बेटियां हैं जो कि गांव के ही स्कूल में पढ़ते हैं। मोंगजी भाई इज़ द नेम ऑफ अ बिग फार्मर। एक वहां पे बहुत बड़े फार्मर हैं गांव में, तो उनका नाम है मोंगजी भाई। ही हैज़ 20 acres ऑफ लैंड, उनके पास 20 acres ज़मीन है खेती की। मधुबा वर्क हियर फॉर लाइवलीहुड, और मधुबा अपने जीवन के लिए आजीविका के लिए वहाँ काम करती हैं। शी वर्क फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक। शी सो सीड्स इन द फार्म, शी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो। ठीक है, मतलब खेतों में बीज बोना, पानी देना। आफ्टर वर्किंग होल डे मधुबा गेट्स वेज इन द इवनिंग। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को उनको उनकी मजदूरी मिलती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क। Once she did not get work for many days together, hence she had to borrow money from Lubji Bhai. ठीक है, अब कुछ लोगों को काम नहीं मिल पाता तो वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं
और अब जीवन चलाने के लिए तो कुछ उनको करना पड़ेगा, तो वो लोग मनी बोरो करते हैं कोई लवजी भाई हैं उनसे। शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक, और उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत हो गई मधुबा को, उनकी बड़ी बेटी क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी, और पैसे देना भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क, और इस पीरियड में वो काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बेटी को घर पर देखना था। सो शी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लवजी भाई, तो उन्होंने क्या किया, अपने एंकलेट्स मतलब जो पायल होते हैं पैरों में जो पहना जाता है चेन उसे कहा जाता है, तो वो बेच देते हैं लवजी भाई के पैसों को वापस करने के लिए। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स, और ऐसा कई बार हुआ। इन एब्सेंस ऑफ फार्म वर्क शी यूज टू डू वर्क इन अदर्स फार्म एज वेल एज इन स्टोन माइंस। ठीक है, अब अपनी आजीविका चलाने के लिए तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो जब उनका फार्म बिजी होता है तो वो फिर दूसरे फार्म में भी वर्क कर लेती हैं। कई बार तो उनके काम नहीं मिलता है तो फिर इस तरीके से उनको अपनी चीज़ें सेल करनी पड़ती है। सिंस शी इज़ ओल्ड शी कैन नॉट डू मोर वर्क, और वो अब बूढ़ी हो गई और कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकती। सी गेट्स एग्जीक्यूट्स हैंस हर हस्बैंड हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड कोर्स, उनके हस्बैंड उनको वर्क में हेल्प करते हैं। दे कम बैक होम इन द इवनिंग, कम्प्लीट हाउस होल्ड वर्क, प्रिपेयर मील एंड देन दे ईट। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं इवनिंग में काम कम्प्लीट करके घर पर आकर सारा काम कम्प्लीट करके और रात का डिनर प्रिपेयर करते हैं। देयर आर मैनी सच पीपल इन द विलेज हु डू नॉट ऑन देयर लैंड। ठीक है, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती, लैंड नहीं होता है। सम पीपल हैव ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ के पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है। स्मॉल लैंड होल्डर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर फार्मिंग, और कुछ लोग फार्मिंग के लिए रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। सम पीपल हैव टू माइग्रेट टू द अदर प्लेस फॉर गेटिंग लेबर व्हेन देयर इज़ नो रेन, और जब बारिश अच्छी नहीं होती, फसल अच्छी नहीं होती, इनकम अच्छी नहीं होती, तो लोगों को क्या करना होता है, फिर उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए एक ये चार्ट दिया गया है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए हम जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी से लेके अप्रैल तक कोई काम नहीं है। फिर प्लगिंग है, फिर पहले जून में रेडी किया जाता है लैंड को, फिर उसमें बीज बोया जाता है, फिर छोटे छोटे जो वीड्स आते हैं उनको निकाला जाता है, फिर जो फसलें आती हैं पूरे तरीके से उनको नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से इनका ये लाइफस्टाइल है, ये चार्ट दिया गया है। नाउ आगे हम ये देखें फार्मिंग कैटल रियरिंग एंड लाइवलीहुड। पंडरपड्डा इज़ अ स्मॉल विलेज, सलमान लिव्स हियर। ठीक है, पंडरपड्डा एक गांव है जहाँ पे सलमान नाम का एक लड़का रहता है। सलमान हैज़ हिज ओन फार्म, वहाँ पे एक सलमान नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास खुद की खेत है। सलमान हैज़ 10 acres ऑफ लैंड, 10 acres उनके पास ज़मीन है। ही हिमसेल्फ डज नॉट फार्मिंग इन हिज फार्म, वो खुद उस अपनी ज़मीन पे काम नहीं करते, अपनी खेत में काम नहीं करते। व्हेनेवर ही नीड्स हेल्प ही टेक्स हेल्प एंड कंटिन्यू फार्मिंग, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, लोगों की हेल्प लेते हैं, लेबर्स रखते हैं और अपना फार्मिंग कंटिन्यू करते हैं। ही पेज फॉर दिस हेल्प, और इस हेल्प के लिए उन्हें पैसे भी देते हैं। ही ब्रिंग्स सीड्स एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम मार्केट डीलर, वो वीड्स फर्टिलाइजर्स सीड्स लेकर आते हैं मार्केट डीलर से। डीलर्स क्या करते हैं, उन्हें सीड्स और फर्टिलाइजर्स देते हैं। रिटर्न मनी टू द डीलर व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, और डीलर को ये लोग क्या देते हैं, पैसे देते हैं जब कि फसल की कटाई हो जाती है। विद हार्वेस्ट मतलब फसल की जो कटाई होना। विद द रेस्ट इनकम ही मेक्स हिज लाइफ लिविंग फॉर 7 and 8 months, और फिर 7 से 8 महीने वो जो इनकम होता है उससे अपना वो लोग घर चलाते हैं बाकी के बचे हुए पैसों से। टू मेक लिविंग फॉर रेस्ट ऑफ मंथ ही जनरेट मनी थ्रू कैटल रियरिंग, और फिर कैटल रियरिंग से भी वो कुछ इनकम गेन करते हैं। सलमान हैज़ 1 cow and 2 buffalo,
ही जनरेट रिक्वायर्ड इनकम फ्रॉम देयर मिल्क। ठीक है, अब उनके पास दो का एक गाय है, दो बफेलो है, तो उसे आपको पता ही है लोग गाय और भैंस क्यों रखते हैं, उसका दूध निकालते हैं, फिर उसे सेल करते हैं, उससे उनको इनकम होती है। सलमान सेल्स मिल्क टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सलमान क्या करते हैं, ये दूध जो सोसाइटी है वहाँ पर सेल करते हैं। ही मेक्स अप फॉर लिविंग हिज लिविंग फ्राम हिज इनकम फॉर रिमेनिंग फोर मंथ। समटाइम्स सलमान वर्क इन इंडस्ट्री फॉर अ nearby city to earn his livelihood through retail work। इस तरीके से वो अपना आगे की lifestyle survive करते, बाकी के चार महीने इंडस्ट्री में भी वर्क करते हैं जो सिटी के आसपास में इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जाकर। कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी, अभी विलेज का क्या कनेक्शन है सिटी के साथ। रामनगर इज़ अ स्मॉल विलेज, देयर इज़ अ मर्चेंट नेम जग्गा भाई, ही हैज़ अ स्मॉल शॉप। रामनगर जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पे एक मर्चेंट मतलब व्यापारी हैं जिनका नाम है जग्गा भाई, उनका एक छोटी सी दुकान है। वेजिटेबल आर अवेलेबल इन हिज शॉप, सब्जियाँ अवेलेबल हैं उनके शॉप पर। अलॉन्ग विद ग्रोसरी मैनी नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, और ग्रोसरी के साथ साथ और भी कई चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं जो डेली लाइफ के लिए हमें यूज़ होती है। सॉप, सॉल्ट, मेडिसिन, ऑल टाइप्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो राइस इन रामनगर, रामनगर में ज़्यादातर लोग राइस ग्रो करते हैं। इफ विलेज पीपल नीड एनीथिंग फ्रॉम जग्गा भाई शॉप देन दे टेक राइस टू द शॉप, और लोग क्या करते हैं जग्गा भाई की दुकान से उनको कुछ भी शॉप से लेना होता है तो वो क्या करते हैं राइस लेकर जाते हैं। इन लीव ऑफ राइस जग्गा भाई लिव्स गिव देम देयर डिमांडेड थिंग्स, और राइस के बदले में वो क्या करते हैं उन लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सामान देते हैं। सेल्स राइस टू द बिग शॉप ऑफ सिटी, और इस चावल को वो लोग जग्गा भाई क्या करते हैं सिटीज़ में भेज देते हैं, बेच देते हैं। विच ही हैज़ परचेस एंड कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज पीपल एट अ लोअर रेट एंड सेल एट लिटिल हायर रेट एंड अर्न मनी। अब गाँव के लोगों से उसे वो कम पैसों में लेते हैं और शहरों में इसको ऊँचे दाम पर बेच देते हैं। तो वी हैव रीड अबाउट द केस ऑफ फार्म लेबर लाइक मधुबा, इन एडिशन टू अ बिग फार्मर लाइक लैंडलॉर्ड, ही सो डिटेल ऑफ स्मॉल फार्मर लाइक सलमान एज वेल एज स्मॉल ट्रेडर लाइक जग्गा भाई, दे ऑल्सो हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अलॉन्ग विद स्मॉल शॉप। बिसाइड कैटल रेयरिंग एंड रिटेल लेबर वी ऑल्सो हैव नोटिस इन डिटेल अबाउट द पीपल हु लिव लाइफ बाय अर्निंग थ्रू रिटेल वर्क इन द इंडस्ट्रियल स्टेट। तो इसमें अभी तक हमने देखा बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल, जैसे मधुबा का, जग्गा भाई का, सलमान भाई का, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं सभी अलग अलग कामों से अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं, मतलब सबका मेन ऑक्यूपेशन तो फार्मिंग है, उसके साथ ही साइड में वो लोग कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। ना अदर वेज ऑफ अर्निंग में अगर हम देखें तो संचरदा इज़ अ स्मॉल विलेज, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द सी शोर। संचरदा एक छोटा सा गांव है जो दरिया के किनारे है। रूड़ी बहन एंड लक्की माँ लिव हियर। ठीक है, ये दो लेडी वहाँ पे रहती हैं। दे डू नॉट हैव देयर लैंड फॉर फार्मिंग, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए। दे नाइदर टू रिटेल वर्क नॉर अर्न मनी विथ एनी परमानेंट वर्क एट एनी प्लेस, उनके पास कोई परमानेंट वर्क नहीं है, कोई परमानेंट प्लेस नहीं है जहाँ पे वो वर्क कर सके। रूड़ी बेन एंड लकीमा आर एंगेज इन फिशिंग, इसलिए वो सीसोर के पास रहते हैं तो दरिया किनारे मोस्ट ऑफ कैसा काम किया जाता है, फिशिंग किया जाता है, तो वो लोग फिशिंग के साथ जुड़े हुए हैं। फिशरमैन इज कॉल्ड अ फूड प्रोड्यूसर, फिश इज अ मैरिन लाइफ। रूड़ी बहन हस्बैंड हेल्प्स हर इन हर हाउसहोल्ड वर्क। अब रूड़ी बहन फिशिंग के साथ जुड़ी हुई हैं इसलिए उनके हस्बैंड उनके घर के काम में हेल्प करते हैं। लखीमा इज़ एन ओल्ड वुमेन, लखीमा जो है वो थोड़ी बूढ़ी हैं। हर हस्बैंड हैज़ डाइड, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। देयर इज़ अ स्मॉल बोट विथ रूड़ी बहन एंड लखीमा, उनके पास एक छोटी सी बोट भी है। दे कीप इट एट द सी शोर, और वो लोग सी शोर के पास ही वहाँ पर रखते हैं अपना बोट। दे हैव अ स्मॉल नेट एंड अदर डिवाइस टू कैच फायर, और उनके पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिससे वो मछलियाँ पकड़ सकें। दे गो इन टू सी टू कैच फिश, और वो सी के अंदर भी अपनी बोट लेके जाते हैं कि जहाँ से वो लोग मछलियों को आसानी से पकड़ सकें। दे हैव गो फार अवे फ्रॉम शोर इन टू द सी टू कैच फायर, और वो बहुत दरिया किनारे से बहुत अंदर तक चले जाते हैं बोट लेकर, बहुत आगे तक दरिया
नदी में निकल जाते हैं या समुद्र में ताकि वो मछली को पकड़ सके। दे डू फिशिंग फॉर 8 मंथ्स फॉर गेटिंग लाइवलीहुड, और 8 महीने ये लोग काम करते हैं अपना लाइवलीहुड आजीविका जीवन चलाने के लिए। इट इज़ रिस्की टू एक्सप्लोर सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन, तो मानसून सीजन में ये बहुत रिस्की होता है कि दरिया के किनारे रहना और मछलियाँ पकड़ना, क्योंकि कई बार फ्लड के चांसेस हो जाते हैं या ये तूफान आने के टाइड्स के। ओके, हैंस रूडी बहन एंड लकी माँ डू नॉट गो फॉर फिशिंग ड्यूरिंग मानसून। पर्सन लाइक रूडी बहन एंड लकी माँ आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज लाइक रेन, साइक्लोन एटसेट्रा। They have to face difficulties during these times of calamities. तो इन ये जो मानसून का सीज़न होता है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उस टाइम पर रूढ़ी बहन हेल्पलेस होते हैं। वो लोग कुछ भी काम दूसरा तो कर नहीं सकते हैं और यहाँ पर भी रिस्की हो जाता है रहना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। सिंस दे डू नॉट हैव एनी अदर वे टू जनरेट इनकम when they are unable to do fishing, it is very difficult to get work in this time. अब जब फिशिंग करने के लायक वो नहीं रहते तब दूसरा काम भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई दे हैव टू बोरो मनी टू मेक लिविंग, और उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं लोगों से। वैन इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू कैच फिश एंड टू सेल देम देन ओनली दे कैन रिटर्न मनी। जब ये पॉसिबल होगा कि वो फिश को पकड़े, उन्हें सेल करें, तभी ये पॉसिबल होगा कि जिससे पैसे लिए हैं उनको पैसे रिटर्न करना। दे फेस डिफ़िकल्टी इन फिशिंग टू, और फिशिंग में भी उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। दीज डेज पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एवरीवेयर, जैसे कि हमें पता है कि डे बाई डे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दे हैव टू गो फार अवे इन टू द सी फॉर फिशिंग। प्लास्टिक एंड पॉपुलेटेड वाटर of industry go to the sea through river and drainage, and due to this sea water gets polluted. Number of fishes is also decreasing due to pollution. तो ये पानी में क्या हो रहा है कि गंदगी बढ़ती जा रही है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपना गंदा पूरा सामान नदियों में, तालाबों में और इस तरीके से समुद्र में जाके फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है और उसकी वजह से मछलियाँ भी कम होती जा रही है, उसी में मर जाती हैं। दिस सिचुएशन क्रिएट टेंशन फॉर लकी माँ एंड रूढ़ी बहन। अब ये सिचुएशंस उनको टेंशन हो गई, फिशिंग इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द साइक्लोन। इकोनॉमिकली दे वर सेवरली अफेक्टेड ड्यूरिंग सुनामी, देयर बोट वॉज ऑल्सो डैमेज ड्यूरिंग दिस टाइम। जब सुनामी आया तब उनके बोट भी डैमेज हो गए, साइक्लोन आया था तब पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल फिशिंग करना। शी कुड नॉट गो फॉर फिशिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैंस गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प देम टू परचेस अ न्यू बोट। और जिसका ये सारा आइटम नेचुरल डिजास्टर में जो भी कुछ डैमेज हुआ उसमें गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है उनकी चीज़ें वापस देने में। इन दिस वे मैनी पीपल गो टू द सिटीज फ्रॉम विलेज एंड दे सेल देयर आइटम लाइक मिल्क, वेजिटेबल और अदर थिंग्स टू अर्न देयर लिविंग। तो इस तरीके से लोग सिटी में जाते, अपना सामान बेचते, अपना लाइफ स्टाइल सर्वाइव करते हैं। तो बच्चों अभी तो हमने अभी तक गांव की बात देखी कि गांव में ये सारा कुछ होता है, अब देखिए लाइफ इन दिस सिटी कि सिटी में लाइफ कैसी है। वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ द विलेज इन द सेम मैनर। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन दिस सिटी। जिस तरीके से गांव की लाइफ स्टाइल का हमें पता चला, हमें शहरों का भी पता होना जरूरी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन दिस सिटी। सिटी में भी रोजगार एम्प्लॉय होना बहुत ही मुश्किल है, एम्प्लॉयमेंट मिलना। लेट अस सी अबाउट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस सिटी। अब जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल का जानते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस, ईच वन इज कनेक्टेड विथ सम वर्क। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं और हर कोई किसी न किसी वर्क के साथ कनेक्टेड है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर सीन इन दिस सिटी, बहुत टाइप के ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिले सिटी में। मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑक्यूपेशन, और इन व्यवसायों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सम पीपल हैव शॉप्स वाइल सम अदर पीपल आर सर्विंग इन दिस शॉप्स। सम पीपल गो टू ऑफिस, सम पीपल डू बिजनेस ऑन द रोड साइड, वाइल सम पीपल वर्क एज हॉकर्स, सम पीपल गो टू द
school or college to teach. Some people are employed in small or big jobs on the basis of their skill to earn livelihood. बहुत सारे काम हैं, जैसे कुछ हॉकर्स हैं, कुछ लोग की दुकान है, कुछ लोग उन दुकानों में लेबर का काम करते हैं, कुछ ऑफिस में वर्क करते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। बहुत सारे लोग काम में अलग अलग ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए हैं और जिसमें जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका काम है। तो उसी में एक रेखा स्टॉक देखेंगे हम, रेखा बहन के बारे में। रेखा'स विलेज इज अ स्मॉल विलेज। रेखा जो इस गांव में रहती है, छोटा सा गांव है। हर आंट लिव्स इन द नियर बाय सिटी, और उनकी आंटी जो है एक सिटी में रहते हैं जो उस गांव के ही साइड में है। रेखा केम टू हर आंट्स हाउस। रेखा उनकी आंटी के घर पे आई हुई हैं। शी सो दैट मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रोड साइड वर्क। उसने देखा कि बहुत रोड साइड देखा कि उसने बहुत सारे लोग की एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं। सम पीपल रन अ स्मॉल शॉप ऑफ वेजिटेबल, वन ओल्ड लेडी सेल वेजिटेबल इन अ कार्ट, सम पीपल रन द शॉप ऑफ फ्लावर्स एंड सम डू वर्क ऑफ साइकिल रिपेयरिंग ऑन द रोड साइड। वन मैन इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू शू पॉलिश बाय हैविंग अ स्मॉल शॉप इन द कॉर्नर। देयर आर शॉप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, जूस एंड ग्रॉसरी ऑन द रोड साइड। ठीक है, इतनी सारे चीज़ें उसने देखी कि कोई किसी की जूते की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, कोई वो लारी पे सब्जी बेच रहे हैं, तो कोई रोड पे साइकिल बनाने का काम कर रहे हैं, तो कोई मोची का काम कर रहे हैं। वो लोग बहुत सारे काम के साथ जुड़े हैं। वेल रेखा वॉज स्टैंडिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑन द रोड साइड, शी फाउंड अ मैन क्लीनिंग द ग्लासेस ऑफ व्हीकल एंड अर्निंग मनी। ठीक है, तो जब रेखा थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही तो उसने देखा कि ग्लास वगैरह धोकर भी वो पैसे कमाते हैं। ग्लासेस ऑफ व्हीकल की ग्लासेस मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उनके शीशे पोछते हैं और साफ़ करते हैं और पैसे कमाते हैं। वन मैन वॉज सेलिंग टूल्स ऑफ क्लीनिंग ऑन अ बाईसाइकिल। वो बाईसाइकिल पे क्लीनिंग करते हैं टूल्स के। अनदर मैन गेट्स एम्प्लॉयमेंट बाय सेलिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑन द रोड साइड। पीने का पानी बेच रहे हैं। हॉकर सेल्स टॉय। ठीक है, हॉकर्स कौन होते हैं जो ऐसे हाथ में सामान वामान लेकर बेचते हैं ना, क्या उसे हॉकर कहा जाता है। तो वो लोग टॉयज बेच रहे हैं। द सेम वे सींग अ हेयर कटिंग सलून, रेखा फेल डैट ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन हर विलेज ऑल्सो इन 3 or 4 शॉप्स। तो रेखा कहती है ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक ही दुकान में अवेलेबल है, एक ही लोग इस 4-5 काम कर लेते हैं। थिंग्स विच आर सोल्ड इन द शॉप ऑफ विलेज, सेम थिंग्स आर सोल्ड ऑन रोड साइड इन द सिटी। जो विलेज में दुकानों में सेल की जाती है, यहाँ पे रोड साइड में सेल की जा रही है सिटीज़ में। वेरियस प्रॉब्लम्स आर एक्सपीरियंस ड्यू टू द रोड साइड शॉप्स एंड वर्कर्स ऑन द रोड साइड। एक्सीडेंट अकर ड्यू टू द ट्रैफिक प्रॉब्लम। अ पर्सन इन द सिटी मे बी इन्वॉल्व विथ मोर देन वन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन और स्किल। रेखा नोटिस दैट अ बॉय वर्किंग इन अ साइकिल रिपेयरिंग शॉप इन द डे टाइम वॉज प्लेइंग ड्रम इन द भजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो उसने रेखा ने देखा कि एक ही व्यक्ति बहुत अलग अलग कामों में जुड़ा हुआ है। जो साइकिल रिपेयर की दुकान पर है काम कर रहा है अभी, वही रात में ड्रम प्ले करने का काम करता है। तो रोड साइड की जॉब में ये भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट में कि समटाइम्स एक्सीडेंट भी फेस करने पड़ जाते हैं। रोड साइड हैं, कई बार व्हीकल्स का जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये भी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो ये रेखा की बात हुई। अब वर्क ऑफ करसन भाई। अब एक करसन भाई हैं, उनकी बात अगर हम करें तो मौसारी विलेज इन वाप तालुका इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट हैज़ राजस्थान स्टेट्स बॉर्डर ऑन वन साइड वाइल पाकिस्तान बॉर्डर ऑन द अदर साइड। तो मौसारी विलेज है वाप तालुका में बनासकांठा में, वो राजस्थान में जुड़ा हुआ है एक साइड में और एक साइड से पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा है। करसन भाई लिव्स इन दिस विलेज। करसन भाई इस गांव में रहते हैं। ही वॉज एंगेज इन कारपेंट्री वर्क। कारपेंटर के काम में वो बिजी है। करसन भाई हैज़ बीन लिविंग इन अ नियर बाई टाउन नेम थारर फॉर 5 years। तो मौसारी विलेज के ही साइड में थारड एक सिटी है, वहाँ पर वो टाउन है, वहाँ पे वो रहते हैं। करसन भाई रंज रिक्शा इन द सिटी एंड टेक्स स्टूडेंट टू द स्कूल। यहाँ पे करसन भाई क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। टुडे करसन भाई हैज़ 2 रिक्शा। करसन भाई रंज रिक्शा एंड गेट एम्प्लॉयमेंट। करसन भाई रिक्शा चलाते हैं और अपना रोजगार लेते हैं।
अब ये बात हुई करसन भाई की, नहीं कलेक्टिव अर्बन लाइफ हुड। अब अर्बन लाइफ हुड का हम देखें, अर्बन मतलब शहरों का। नीलम्स मैटरनल अंकल वर्क इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री सिचुएटेड इन अ ह्यूज कैंपस, वेरियस डिपार्टमेंट कुड बी सीन ऑन एंट्रिंग हियर। ठीक है, नीलम के जो अंकल हैं मासा जी वो कहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री कहाँ पर है, एक फैक्ट्री का जो कैंपस है बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसमें एंटर होंगे। हेयर इज़ अ फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैंट्स एंड शर्ट्स, पैंट शर्ट वहाँ पे बनता है। टेक्सटाइल एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट वर फाउंड मोर एक्टिव, टेक्सटाइल और टेक्निकल डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत एक्टिव है। देयर वर मोर देन 50 मशीन्स इन द अपर स्टोर। ठीक है, अपर स्टोर में 50 मशीन्स हैं। मोर स्टिचिंग वर्क विथ लेस लेबर कुड बी डन विथ दीज मशीन्स, बहुत ज़्यादा काम होता है बहुत कम लेबर में क्योंकि मशीन सारा काम कर देती है। स्पेशल विथ लेस लेबर, नीलम्स मैटरनल अंकल वर्क हियर एज अ मैनेजर, नीलम के जो अंकल हैं यहाँ पे मैनेजर का काम करते हैं। ही गेव अपॉर्चुनिटी टू नीलम टू वॉच फ्रॉम वेयर द फैब्रिक केम टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैंट शर्ट एंड देयर पैकिंग। तो नीलम को ये मौका मिला कि वो देखे कि कहाँ से ये सारा काम सामान आता है मैन्युफैक्चर के लिए शर्ट पैंट के। हियर हर अंकल हैड अ टॉक विथ अ ट्रेडर, यहाँ पे अंकल ट्रेडर से बात करते हैं। ट्रेडर वांटेड फास्ट वर्क, ट्रेडर को बहुत जल्दी सामान चाहिए था पैंट शर्ट। ही वांटेड 1000 शर्ट, उसे 1000 शर्ट चाहिए था। ही सेड टू द सेड डू ओवर टाइम एंड गेट वर्क डन फास्टर, तो वो अपने लेबर्स से कहते हैं कि आप ओवर टाइम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करिए। नीलम्स अंकल टॉक टू दैम रिगार्डिंग ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच वॉज इंक्योर्ड इन दिस वर्क। तो नीलम के अंकल उस ट्रेडर से बात कर रहे होते हैं कि और कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और इसमें और कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें नीलम सुनती हैं। नाउ रिटेल लाइवलीहुड, जय सिंह केम टू नवसारी फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से नवसारी में जय सिंह आए होते हैं। ही मेक्स चॉकलेट हियर, यहाँ पर ही वो चॉकलेट बनाते। ही मेक्स वेराइटी ऑफ चॉकलेट, और बहुत टाइप के चॉकलेट बनाते हैं। ही वर्क्स टू मेक दीज आइटम एंड सप्लाइज इट टू द ट्रेडर्स, और ये यहाँ पे चॉकलेट्स बनाते हैं और ट्रेडर्स को सप्लाई करते हैं। ही कीप्स अ डायरेक्ट वॉच ऑन दिस वर्क फ्रॉम कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चॉकलेट, ये डायरेक्टली सारा कुछ खुद ही हैंडल करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन तक और उनके डिस्ट्रीब्यूशन तक। सेलिंग बिकम इजी व्हेन गुड्स रीच टू द सेल्समैन एंड ट्रेडर, सेलिंग इजी हो जाता है जब सेल्समैन और ट्रेडर के पास ये सारा सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान। फॉर दिस ही हैज़ टू रिमेन इन द स्पेशल कॉन्टेक्ट ऑफ ट्रेडर, और इसके लिए वो ट्रेडर के साथ जुड़े भी होते हैं। टुडे मोर देन 100 पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू जय सिंह चॉकलेट फैक्ट्री, जय सिंह के चॉकलेट फैक्ट्री के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वी सी मैनी बिजनेसमैन अराउंड अस, स्किल हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्रेजेंट टाइम, तो आज के टाइम में स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना जीवन चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। मतलब पढ़ना तो जरूरी है ही, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स भी होना जरूरी है, वोकेशनल कोर्सेज करना भी जरूरी है, इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है। और पता है कि अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, लाइफ स्टाइल को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पीडीएफ चैप्टर जो हमारा 13 है और ये 17, इन दोनों के ही पीडीएफ सेपरेटली मैं सेंड कर देंगे और आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।